हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूं और गुजरात के वलसाड और वापी ज़िले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपसे बात करूंगा एक इम्पॉर्टेंट और क्लिनिकली यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे पेसमेकर कितने टाइप्स के होते हैं, वो कैसे होते हैं, उसमें सिंगल चेंबर डबल चेंबर में क्या डिफरेंस होता है, बेसिकली ये किस तरह के डिवाइसेज होते हैं, कितने लीड्स होते हैं इसमें, और किसको हमें कब सिचुएशन में सिलेक्ट करना चाहिए, किसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, इस बारे में बात करेंगे। बेसिकली पेसमेकर एक ऐसा डिवाइस है जो हृदय की गति अगर कम हो जाए तो उसके गति को इम्प्रूवाइज करने में मदद करता है। तो ये डिवाइसेस में सिंगल और डबल चेंबर और लीडलेस पेसमेकर्स में क्या डिफरेंस होता है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। लीडलेस पेसमेकर के लिए ऑलरेडी हमने एक सेपरेट टॉपिक किया जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा। आज बेसिकली सिंगल डबल चेंबर और ट्रिपल चेंबर में पेसमेकर में क्या डिफरेंस होता है, इसको बेसिकली आज डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और क्लिनिकली यूजफुल होगा, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कंटेंट को एंड तक देखें, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि जब भी मैं कोई नया कंटेंट पोस्ट करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस लिंक के ज़रिए उस वीडियो को देख सकें, और डेफिनेटली इससे हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। आते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है पेसमेकर क्या है, सिंगल और डबल चेंबर पेसमेकर क्या होता है, ट्रिपल चेंबर पेसमेकर क्या होता है, इसका बेसिकली कहाँ सेलेक्ट करना चाहिए। बेसिकली हार्ट जो है कंडक्शन सिस्टम पर बेस्ड होता है। करंट जब जनरेट होता है तो साइनस नोड करके ग्रंथि होती है, एक टिश्यू एरिया होता है जहाँ से करंट निकलता है, उसके बाद दोनों ऊपर के चेंबर्स यानी एट्रिया में करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसके बाद एक सेकेंड स्टेशन पर करंट आकर रुकता है जिसे एवी नोड बोलते हैं, वहाँ पर करंट आता है और वहाँ से एक हिज बंडल करके कंडक्शन सिस्टम वायरिंग होती है, उसके माध्यम से पुरकिंजे फाइबर्स में जाता है और पुरकिंजे फाइबर्स से नीचे वेंट्रिकल्स में जाता है। वेंट्रिकल्स बेसिकली हार्ट के बड़े चेंबर्स होते हैं जो कि शरीर में और लंग्स की तरफ ब्लड को पंप करते हैं। एट्रिया बेसिकली ब्लड को कलेक्ट करने का एक रिजर्वॉयर है, जो कि राइट एट्रियम जो है पेरिफेरल सर्कुलेशन से आने वाले ब्लड को, लेफ्ट एट्रियम लंग से आने वाले ब्लड को कलेक्ट करता है। उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब वाल्व्स खुलते हैं, उसके बाद ये ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में जाता है, जब वेंट्रिकल में जाता है और ब्लड जब वेंट्रिकल में भर जाता है तब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी एट्रिया से कॉन्ट्रैक्शन के थोड़े सेकेंड्स या थोड़े मिली सेकेंड्स के बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है और फिर वो ब्लड पूरे शरीर में पंप आउट करता है। राइट वेंट्रिकल लंग्स में पंप करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल पूरे शरीर में पंप करता है। तो बेसिकली एट्रिया और वेंट्रिकल का टाइमिंग साइकिल और उनका कॉन्ट्रैक्शन का पैटर्न प्री डिफाइंड है। अगर ये टाइमिंग साइकिल प्रॉपरली मेंटेन नहीं होता है तो हार्ट का पंप फंक्शन इससे अफेक्ट हो जाता है। पेसमेकर बेसिकली एक करंट प्रोवाइड करने वाला डिवाइस है, जिस तरह घर में अगर लाइट चली जाती है तो आप इन्वर्टर डिवाइस यूज़ करते हो जो कि लाइट चले जाने पर घर को इलेक्ट्रिसिटी देता है। पेसमेकर बेसिकली एक वैसा ही डिवाइस है जो एक माचिस के डिब्बे के साइज़ का डिवाइस होता है, जो कि कंधे पर हम छोटे से चीरे में लोकल एनेस्थीसिया में लगा देते हैं और उसका इलेक्ट्रोड हार्ट में कनेक्ट कर देते हैं, जो कि हार्ट को कंटिन्यूसली करंट प्रोवाइड करता है। इस करंट के माध्यम से हार्ट कंटिन्यूसली बीट करता है। पेसमेकर की बैटरी लाइफ नॉर्मली 10 से 12 साल चलती है, उसके बाद पेसमेकर को रिप्लेस करना पड़ता है। पेसमेकर के बारे में ऑलरेडी हमने डिटेल वीडियो, उसके प्रिकॉशंस के बारे में अलग वीडियो किया जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा। अब आज के टॉपिक पर आते हैं, सिंगल चेंबर और डबल चेंबर पेसमेकर में क्या डिफरेंस है और हमें कैसे इन्हें चूज करना चाहिए। बेसिकली सिंगल चेंबर पेसमेकर का मतलब है कि इसमें एक ही तार होता है, यानी कि एक लीड या एक इलेक्ट्रोड होता है जो कि नीचे वेंट्रिकल में, यानी राइट वेंट्रिकल के एपेक्स पे या उसके सेप्टम एरिया में उसको कनेक्ट कर दिया जाता है और ये वेंट्रिकल को कंटिन्यूसली पेस करता रहता है। यानी कि जो नॉर्मल हार्ट का नॉर्मल सिंक्रोनस सिस्टम है कि पहले करंट एट्रिया में जाएगा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वाल्व्स खुलेंगे, ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये जो टाइमिंग साइकिल और जो सिंक्रोनी है वो सिंगल चेंबर पेसमेकर में मेंटेन नहीं होती। एक सिंगल इलेक्ट्रोड खाली वेंट्रिकल में लगा दिया जाता है और वो एट्रिया का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता है, एट्रिया बीट कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसमें वाल्व्स खुले हैं कि नहीं खुले हैं, वो अपना पंप कर देता है ब्लड को। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि नॉर्मल वाल्व्स का ओपनिंग क्लोजिंग मैकेनिज्म और नॉर्मल एट्रिया का जो क्लोजिंग मैकेनिज्म या पंपिंग मैकेनिज्म है वो बेनिफिट हार्ट लूज़ कर देता है, क्योंकि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में टाइमिंग साइकिल मेंटेन नहीं होता और वेंट्रिकल खाली काम करता है। वेंट्रिकल काम करने से ज़िंदगी तो चल जाती है, ज़िंदगी चलाने के लिए सिर्फ वेंट्रिकल में भी अगर करंट आए तो सफिशिएंट है, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं माना जाता जितना कि अगर एट्रिया वेंट्रिकल दोनों साथ में काम करें और दोनों का सिंक्रोनी मेंटेन हो तो जितना अच्छा पंप फंक्शन काम करता है। डबल चेंबर पेसमेकर में इस पे एक एडवांटेज होता है कि डबल चेंबर में पेसमेकर में एक और इलेक्ट्रोड होता है जिसको एट्रिया में यानी राइट एट्रियम में कनेक्ट कर देते हैं,
तो इसमें सबसे पहले करंट राइट एट्रियम में जाता है, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है एट्रियम में, फिर जब वाल्व्स खुलते हैं उसके बाद थोड़े टाइम गैप या टाइमिंग साइकिल के बाद वेंट्रिकल को करंट मिलता है, उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। यानी नॉर्मल हार्ट का जो सिंक्रोनस सिस्टम है कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन, वाल्व्स खुलना, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, इसके बीच में जो टाइमिंग साइकिल है वो प्रॉपरली डबल चेंबर पेसमेकर में मेंटेन होता है, यानी कि ज़्यादा नेचुरल और ज़्यादा फिजियोलॉजिकल है। अब ऑब्वियसली जो चीज़ ज़्यादा नेचुरल है, ज़्यादा फिजियोलॉजिकल है, वो बॉडी के लिए ज़्यादा अच्छी होगी, वो हार्ट का पंप फंक्शन और सब चीज़ों को इम्प्रोवाइज करेगी, हार्ट का पंप फंक्शन डिटोरिएट नहीं होने देगी। जिंदगी चलाने के लिए सिंगल चेंबर पेसमेकर भी सफिशिएंट है, पर डबल चेंबर पेसमेकर में कुछ सॉफ्टवेयर अडेप्टेशन और नॉर्मल टाइमिंग साइकिल का जो मेंटेनेंस होता है वो कंपेरेटिवली बेटर होता है, इसलिए डबल चेंबर पेसमेकर ज़्यादा प्रेफर्ड होता है मेजॉरिटी ऑफ द सिनेरियोज में। 95% ऑफ द केसेज में डबल चेंबर पेसमेकर को ही प्रेफर किया जाता है, पर इंडिया में ऐसा होने के बावजूद भी इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में सिंगल चेंबर पेसमेकर ही लगाया जाता है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है, कॉस्ट। सिंगल चेंबर पेसमेकर अगर फुल पैकेज और हॉस्पिटल का एडमिशन और सर्जिकल चार्जेस वगैरह के साथ मिला के कॉस्ट को गिनते हैं तो लगभग 1.5-1.6 लाख तक जाता है, कुछ कुछ कंपनीज में 1.8-2 लाख तक भी जाता है। डबल चेंबर पेसमेकर के साथ अगर इम्प्लांटेशन चार्जेस और हॉस्पिटल के चार्जेस सबको मिलाते तो पैकेज अराउंड 2.3-2.78 लाख तक जाते हैं, यानी लगभग 80,000 से 1 लाख तक एक्स्ट्रा चार्ज पेयर करना पड़ता है पेशेंट को अगर वो सिंगल चेंबर के पेश के बदले डबल चेंबर यूज़ करता है। बाकी हॉस्पिटल चार्जेस, इम्प्लांटेशन चार्जेस, डॉक्टर के चार्जेस सब कुछ सेम होते हैं, लेकिन इसमें पेसमेकर का डिवाइस ही कंपेरेटिवली ज़्यादा महंगा आता है, इसलिए डबल चेंबर पेसमेकर पेशेंट को ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। तो डेफिनेटली जहाँ इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है वहाँ लोग कॉस्ट के हिसाब से थेरेपी को डिसाइड करते हैं, रादर देन ये देखने के लिए कि कौन सा थेरेपी उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, लोग कॉस्ट को ज़्यादा तरजीह देते हैं, इसलिए इंडिया में सिंगल चेंबर पेसमेकर ज़्यादा यूज़ होता है। प्रीडोमिनेंटली बिकॉज कि लोगों के पास ज़्यादा मेडिक्लेम्स वगैरह नहीं रहते, ज़्यादा लोगों को इतना अफोर्डिंग नहीं रहते, इसलिए ज़्यादातर सिंगल को लोग प्रेफर करते हैं कि ज़िंदगी चलाने के लिए सफिशिएंट है। डबल चेंबर पेसमेकर ज़्यादा बेटर है, उससे हार्ट का पंप फंक्शन डिटोरिएट नहीं होता। सिंगल चेंबर पेसमेकर में कंपेरेटिवली हार्ट का पंप फंक्शन थोड़ा सा डिटोरिएट होता है, जिसकी वजह से ओवरऑल लॉन्ग टर्म थोड़ा सा पंप फंक्शन ख़राब होता है, थोड़ा सा हार्ट के लिए वो अच्छा नहीं माना जाता। अगर पॉसिबल है और फिजियोलॉजी पेशेंट उसके लिए अफोर्डेबल है तो ज़्यादातर केस में डबल चेंबर पेसमेकर को प्रेफर करते हैं। कुछ कुछ कंडीशंस ऐसी है जहाँ पे डबल का मतलब नहीं रहता, यानी अगर ऊपर चेंबर ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, एट्रियल फिब्रिलेशन में है, या कोई कारण से कंडक्शन सिस्टम वहाँ का ख़राब है, तो वहाँ पे सिंगल चेंबर पेसमेकर भी करें तो सफिशिएंट है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में, यानी 95% ऑफ द केसेस में डबल चेंबर पेसमेकर को प्रेफर किया जाता है। सिंगल चेंबर पेसमेकर का डायरेक्टली बहुत ज़्यादा कोई डबल के ऊपर एडवांटेज नहीं है, डबल चेंबर के कंपेरेटिवली थोड़े ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि अगर हार्ट का साइज़ बहुत बड़ा हो, अबनॉर्मल शेप्स हो, अबनॉर्मल साइज़ एट्रिया का हो, कोई रोटेटेड हार्ट हो, या जहाँ पे हम अपर वाला चेंबर में लीड को प्लेस करना है वो जगह अगर अबनॉर्मल हो, तो कभी कभी सिंगल चेंबर पेसमेकर कुछ एनाटॉमिकल रीजंस की वजह से यूज़ करना पड़ता है कि जहाँ डबल फीजिबल नहीं है वहाँ यूज़ करना पड़ता है। पर ओवरऑल ज़्यादातर केसेस में डबल चेंबर पेसमेकर को ही प्रेफर किया जाता है, क्योंकि उसमें ऑल्दो कॉस्ट ज़्यादा आता है लेकिन पेशेंट को पंप फंक्शन ज़्यादा बेटर मिलता है लॉन्ग टर्म। उसमें एट्रिया और वेंट्रिकल का जो कॉन्ट्रैक्शन का पैटर्न है या सिंक्रोनी है वो प्रॉपरली मेंटेन होता है, और लॉन्ग टर्म हार्ट फंक्शन का डिटोरिएशन नहीं होता। ज़्यादातर पेशेंट्स में अगर यंग पेशेंट है या उसको लॉन्ग टर्म उसको सर्वाइवल के चांसेस हो तो डबल चेंबर को ही प्रेफर किया जाता है। उम्रदराज पेशेंट में जहाँ व्यक्ति सिर्फ अगर हार्ट गति चलती रहे, या किसी किसी को ऐसा है कि थोड़ा सा इंटरमिटेंट कंडक्शन ब्लॉक्स हो रहा है, बाकी अदरवाइज कंडक्शन सिस्टम बराबर चल रहा है, थोड़ा थोड़ा देर के लिए अगर छोड़ रहा है, महीनों में एक आध बार ये वैसा इवेंट हो रहा है, तो हम सिंगल भी लगा सकते हैं कि बस उतने देर के लिए पंप फंक्शन काम कर जाए तो व्यक्ति की जान बची रह जाए। पर ज़्यादातर केस में, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में डबल को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा एडवांटेजेस है, कॉस्टली है लेकिन ज़्यादा एडवांटेजेस है। एक होता है ट्रिपल चेंबर पेसमेकर। ट्रिपल चेंबर पेसमेकर यानी CRT बोलते हैं ये, इसमें एक तीसरा इलेक्ट्रोड होता है जो कि राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल के अलावा लेफ्ट वेंट्रिकल के कोरोनरी साइनस एंड उसके पीछे वाले पोर्शन में इसको लगा दिया जाता है। ये ट्रिपल चेंबर पेसमेकर बेसिकली हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में कंडक्शन सिस्टम को इम्प्रोवाइज करने के लिए किया जाता है। ये ट्रिपल चेंबर पेसमेकर का बेसिक एडवांटेज ये है कि तीन जगह से हार्ट को एक साथ करंट मिलता है, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर में जो हार्ट का खिंचाव हो जाता है, जिसकी वजह से करंट कंडक्शन सिस्टम डिले हो जाता है, स्लो हो जाता है, उस चीज़ को ये इम्प्रोवाइज़ करता है। तीन जगह से हार्ट को एक साथ करंट मिलता है तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बेटर होता है, सारे सेगमेंट्स हार्ट के वहाँ पे करंट एक साथ पहुँचता है,
तो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न बेटर होता है, वाल्व्स का रिस्पॉन्स बेटर होता है और कंडक्शन सिस्टम से रिलेटेड ज़्यादातर इश्यूज इससे सॉर्ट आउट हो जाते हैं, तो इससे कंपेरेटिवली पंप फंक्शन थोड़ा बेटर होता है, थोड़ा सुधरता है। तो इसलिए CRT डिवाइसेस बेसिकली वो सिंपल पेसमेकर जैसे सिर्फ गति प्रोवाइड करने के लिए नहीं यूज़ करते, उसको बेसिकली हार्ट का करंट कंडक्शन सिस्टम जब खिंचाव की वजह से डैमेज हो चुका है हार्ट फेलियर में, वहाँ पे हार्ट का पंप फंक्शन सुधारने के लिए CRT डिवाइस को यूज़ करते हैं। साधारण भाषा में इसे ट्रिपल चेंबर पेसमेकर बोल सकते हैं, इसमें एक साथ तीन जगह से कॉन्ट्रैक्शन करंट सिस्टम जाता है। एक होता है लीडलेस पेसमेकर, लीडलेस पेसमेकर के बारे में हमने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो किया जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। लीडलेस पेसमेकर्स में बेसिकली लीड नहीं होती, बहुत छोटा डिवाइस होता है, इन्हें रूटीन पेसमेकर के डिवाइस से 93% ये छोटा होता है, उसको डायरेक्टली ही राइट वेंट्रिकल में लगा देते हैं। ये सिंगल चेंबर पेसमेकर जैसा काम करता है और करंट देता रहता है। ये उन लोगों में प्रेफर करते हैं जहाँ कोई टेक्निकल कारणों से हम पेसमेकर ऊपर नहीं लगा के उसका इलेक्ट्रोड नहीं लगा सकते, या कॉस्मेटिकल कॉन्शियस पेशेंट हो, या ऐसा कोई पेशेंट हो जिसमें दोनों साइड में इन्फेक्शन हो चुका है और हम पेसमेकर नहीं लगा सकते टेक्निकल कारणों से, वहाँ इसको प्रेफर किया जाता है। लीडलेस पेसमेकर में दो डिसएडवांटेजेस है, कॉस्ट ज़्यादा होता है और बैटरी लाइफ थोड़ी कम होती है, तो इसको डिप्लॉय करना थोड़ा टेक्निकली टफ भी होता है, तो इसलिए ये कम केसेस में प्रेफर किया जाता है। रूटीन पेसमेकर के कंपैरिजन में इसका कॉस्ट 4-5 गुना ज़्यादा रहता है, यानी 7-8 लाख तक इसका कॉस्ट जाता है और बैटरी लाइफ 8-10 साल चलती है, उसके बाद इसे पूरा चेंज करना पड़ता है। हमने ऑलरेडी लीडलेस पेसमेकर के बारे में एक डिटेल वीडियो किया जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब बात करेंगे AICD डिवाइस के बारे में। AICD डिवाइस यानी इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफ्लुबेटर, ये भी सिंगल चेंबर और डबल चेंबर कॉन्फ़िगरेशन में आता है। ये बेसिकली पेस करने के अलावा एक और काम करता है, अगर गति बढ़ जाए तो उसको भी कंट्रोल करता है। पेसमेकर खाली क्या करेगा, गति कम हो जाएगी तो करंट देगा, यानी लाइट चली जाएगी तो लाइट देगा, लेकिन AICD एक तरह से वोल्टेज रेगुलेटर भी है कि अगर वोल्टेज बहुत बढ़ जाएगा तो भी कम करेगा, कम है तो ज़्यादा करेगा, ज़्यादा है तो कम करेगा, तो ये दोनों काम करता है। जब गति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो कुछ स्पेशलाइज मनूवर से ये हार्ट को रिदम में नॉर्मल भी लाता है, कभी कभी शॉक डिलीवर करके रिदम को नॉर्मलाइज करता है ताकि पेशेंट को घर से हॉस्पिटल तक का पहुंचने का टाइम मिल जाए, क्योंकि रिदम डिस्टर्बेंस में अगर सडनली धपका अनियमित हो जाए तो पेशेंट की तात्कालिक जान चली जाती है। तो पेशेंट को अगर डबल चेंबर या सिंगल चेंबर जो भी AICD डिवाइस अगर हम डालते हैं तो गति बढ़ने को भी वो मैनेज करता है और व्यक्ति की जान जाने नहीं देता है। तो इसलिए AICD डिवाइस एक पेसमेकर जैसा ही डिवाइस है, लेकिन उसमें कुछ एडिशनल एडवांटेज हैं। एक एक्स्ट्रा फंक्शन है कि वो दोनों तरह की चीज़ों को मैनेज करता है, कम गति को भी और ज़्यादा गति को भी, दोनों भी मैनेज करता है। पेसमेकर के मिसलेनियस इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। पेसमेकर बेसिकली उसकी लाइफ 10 से 12 साल, कुछ कंपनीज में 15 से 17 साल उसकी बैटरी लाइफ चलती है, उसके बाद उसके डिवाइस को चेंज करना पड़ता है। ये अलग अलग कंपनी के जो पेसमेकर्स अवेलेबल है उनका लीड्स आपस में कंपैटिबल होता है, यानी अगर आपको 5-10 साल के बाद अलग कंपनी का पेसमेकर डिवाइस यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं। ये लीड्स गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के हिसाब से एक दूसरे कंपनी में, इस कंपनी का उसमें भी यूज़ किया जा सकता है। पेसमेकर को अगर आपने पहले सिंगल चेंबर लगाया, बाद में अपग्रेड करके डबल या ट्रिपल करना चाहते हैं तो अपग्रेड कर सकते हैं, उसका लीड वहीं पे रह जाता है सिंगल वाला, उसके साथ एक एडिशनल लीड डबल कॉन्फ़िगरेशन में या ट्रिपल कॉन्फ़िगरेशन में डाल के उसे अपग्रेड कर सकते हैं। डिवाइस चेंज हो जाता है, आपका सिंगल चेंबर वाला डिवाइस डबल और ट्रिपल का काम नहीं कर सकता, तो उसके लिए बेटर या हायर क्वालिटी का डिवाइस यूज़ किया जाता है, सिंगल का डिवाइस को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। ज़्यादातर ये तब किया जाता है जब बैटरी पूरी तरह खत्म हो जाती है, तो उसको चेंज करते हुए टाइम अपग्रेडेशन किया जा सकता है। एक और इशू है जिसे MRI कंपैटिबिलिटी ऑफ पेसमेकर्स बोलते हैं। पेसमेकर बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट से चलने वाली चीज़ है, तो अगर हाई वोल्टेज मैग्नेट के संपर्क में अगर आएगा तो ये तुरंत बंद हो सकता है और व्यक्ति की इसमें जान जा सकती है। तो इसीलिए अगर किसी व्यक्ति को MRI स्कैनिंग वगैरह करना हो तो उसके लिए माना जाता है कि पेसमेकर को स्विच ऑफ करना जरूरी है, नहीं तो डिवाइस को यूज़ नहीं कर सकते। रिसेंटली पिछले कई सालों से MRI कंपैटिबल पेसमेकर्स आने लगे हैं, जिसमें जो पेसमेकर का बॉक्स बनाया जाता है वो इस तरह से बनाया जाता है कि वो MRI मशीन में उसको कुछ फ़र्क ना पड़े और अपना वो काम कर सके। तो MRI कंपैटिबल डिवाइस आजकल ज़्यादातर प्रीफर करते हैं। जो लोग को भी ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, हड्डियों की प्रॉब्लम है, जहाँ MRI स्कैन कंपलसरी है, वहाँ MRI कंपैटिबल पेसमेकर लगाने का ज़्यादा फायदा होता है। पर इसमें थोड़ा कॉस्टली ज़्यादा होता है, इसलिए हर पेशेंट में MRI कंपैटिबल पेसमेकर नहीं लगा सकते। CT स्कैन करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन MRI अगर आपको करना है तो MRI कंपैटिबल पेसमेकर ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। इस टॉपिक के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की कि पेसमेकर क्या होता है, पेसमेकर किस तरह की डिवाइस होती है, सिंगल और डबल चेंबर पेसमेकर में क्या डिफरेंस होता है, ट्रिपल चेंबर पेसमेकर क्या होता है, AICD क्या होता है, लीडलेस पेसमेकर क्या होता है। इन सारे टॉपिक्स के बारे में हमने सेपरेट वीडियोस किए हैं, तो डिटेल डिस्क्रिप्शन आप उन टॉपिक्स पर देख सकते हैं, पर यहाँ पे हमने इन ब्रीफ खाली ये चीज़ें क्या होती हैं उस बारे में बात की और बेसिक उनका एक आइडिया आपको देने की कोशिश की, ताकि आपको डिवाइसेस का चॉइस कैसे करते हैं उस बारे में समझ पड़े।
मेरे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए इजीली एक्सेसिबल करते हैं, ताकि इस तरह का कंटेंट के लिए आपको जगह जगह भटकना ना पड़े, आपको लोगों से पूछना ना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं, और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से फ़ायदा होने के बदले कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट आपके लिए इजीली अवेलेबल हो और आप इसको डेली बेसिस पर यूज़ कर सकें, ताकि अपने पेशेंट को आप बेटर मैनेज कर सकें और पेशेंट का ट्रीटमेंट अच्छी तरह से कर सकें। यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो इसको लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। यदि आपको लगता है कि फ्यूचर में कुछ टॉपिक्स पर हमें वीडियोस बनाने चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके बारे में हमें बताइए, ताकि फ्यूचर में हम उन टॉपिक्स को कवर कर सकें। सो दिस इज़ डॉक्टर नवीन अग्रवाल, और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरा टॉपिक पूरा देखा, और होपफुली आपको पेसमेकर से रिलेटेड काफ़ी कॉन्सेप्ट्स इसके बारे में क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट या क्वेरी हो तो हमें उसके बारे में बताएं, तो हम इसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें कॉन्स्टेंटली मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती रहे और हम आपके लिए अच्छा और यूज़फुल कंटेंट लाते रहें। थैंक यू।